हे गाइस, कैसे हैं सब लोग? होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम पढ़ेंगे आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट टॉपिक। और इसमें हम करेंगे आज पॉलन पिस्टल आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के पास चला गया उसकी वहाँ से आगे फर्दर ग्रोथ कैसे होती है, क्या क्या उसमें फर्दर रिएक्शन या इन्वॉल्वमेंट होती है किसी चीज़ की, तो उसी में फिर लास्ट में हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और डबल फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस क्या होती है प्लांट्स के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। सो ये रहा आपका आज का टॉपिक, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो इससे पहले हमने क्या किया था, देखो मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, फिर पॉलन ग्रेन जो होता है आपके एंथर से, ठीक है, स्टिग्मा तक कैसे जाता है, उसके मेथड, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। उसके हमने डिफरेंट मेथड्स किए थे, ठीक है, लाइक एनिमोफिली हो गया आपका, हाइड्रोफिली एंड एंटोमोफिली, ठीक है। तो ये सारे हमने मेथड्स कर लिए हुए हैं। आज हम देखेंगे पॉलन ग्रेन जो है वो आपके स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया, स्टिग्मा स्टिग्मा के ऊपर आ गया, ठीक है। ये आपका स्टिग्मा, ठीक है, और ये आगे पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो अब जो पॉलन ग्रेन है, हमें पता है पॉलिनेशन में, ठीक है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन गए, सारे के सारे जर्मिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ डिफरेंट स्पीसीज़ के इसके ऊपर गिरेंगे, तो वैसे भी इनकम्पैटिबल होंगे, और जो पॉलन ग्रेन कंपैटिबल होगा सिर्फ वही जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब को बनाएगा, ठीक है। अब कंपैटिबल का मतलब क्या होता है, वन विच इज़ एबल टू एग्जिस्ट, ठीक है, बहुत सारों में कौन सा सर्वाइव करेगा, तो उसको हम बोलते हैं कंपैटिबल। तो इसका मतलब जब भी पॉलन ग्रेन जो होगा स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा तो वहाँ पे रिएक्शन होते हैं, कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन बोला जाता है उनको, और वो किसके बीच में होते हैं, प्रोटीन्स सिक्रेट की जाती हैं पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के द्वारा, तो उनके बीच में इंट्रैक्शन जो होती है, प्रोटीन आपस में कैसे इंट्रैक्ट करती हैं वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करेंगी, तो उसको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिली रिएक्शन। तो सिर्फ जो कंपैटिबल पॉलन होगा वही जर्मिनेट करने के लायक होगा, ठीक है, जर्मिनेट कर पाएगा। तो इसमें जब हमारा कंपैटिबल पॉलन ग्रेन आ गया, पहचान लिया प्रॉपरली, तो उसके बाद वो क्या करेगा, स्टिग्मा के ऊपर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और एक पॉलन ट्यूब डेवलप करेगा अपने अंदर। तो ये जो पॉलन ट्यूब है कब डेवलप होगी, ओनली ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। तो उसके बाद पॉलन जो ट्यूब होगी वो कीमोट्रॉपिकली, ठीक है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पता होनी चाहिए आपको, पहले बताइए आपको कि केमिकल के रिस्पांस में, ट्रॉपिक होता है मूवमेंट करना, तो केमिकल रिलीज होते हैं उसके रिस्पॉन्ड में पॉलन ट्यूब जो होती है वो ग्रो करती है और मूवमेंट करती है, उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। वो आगे जाके जब हमारा जो पॉलन ट्यूब होगी ओव्यूल में चली जाती है, तो ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक में उसकी मूवमेंट जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है सिनर्जिड्स के ऊपर, वो कुछ एक केमिकल सिक्रेट करता है, वो उसको वहाँ पे गाइड करते हैं फर्दर ग्रोथ के लिए। इसके अलावा जो अब पॉलन पिस्टन इंट्रैक्शन क्या होती है, ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स जितने भी हमने इवेंट्स पढ़े पॉलन ग्रेन के डिपोजिशन स्टिग्मा के ऊपर, उसके बाद उसकी फर्दर वाटर एब्जॉर्ब करना, ग्रोथ करना, और फिर पॉलन ट्यूब को ग्रोथ देना, उस पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ठीक है। ये जो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन है इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट आता है आपका, तो इसमें करते क्या, हमने अगर पॉलन ट्यूब को देखना हो जर्मिनेट करते हुए पॉलन ग्रेन को, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लेनी पड़ेगी 10% शुगर सॉल्यूशन की एक ड्रॉप लेंगे हम, स्लाइड के ऊपर रख देंगे उसको, ठीक है, उसके ऊपर फिर हम स्प्रिंकलिंग करेंगे, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स की, तो ताकि हमारे को अच्छे से पॉलन ट्यूब दिख जाए, इसलिए हम 3-4 स्पीसीज के पॉलन ग्रेन उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और उसको फिर ऑब्जर्व करेंगे 15 से 30 मिनट के बाद, तो हमें कुछ ना कुछ जो पॉलन ग्रेन है वो ग्रो करते हुए पॉलन ट्यूब जर्मिनेट सॉरी ग्रोथ करती हुई दिख जाएगी उसमें से, ठीक है। तो उसको और थोड़ा और देर छोड़ेंगे तो उसके बाद हमें वो पॉलन ट्यूब और लंबी या ग्रो करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका फिर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स में जितने इवेंट्स होते हैं, ये जो प्रोसेस है फ्यूज़न का, इसको ओवरऑल बोलते हैं फर्टिलाइजेशन।
और जो पर्टिकुलर जब फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का उसको हम बोलते हैं सिनगैमी, तो इसको सिनगैमी भी हम प्रनाउंस कर सकते हैं। तो जो सीड प्लांट्स होते हैं उसमें जो आपकी सॉरी सिनगैमी है उसको हम साइफनोगैमी भी बोलते हैं। साइफन हो गया पोर लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब, तो उसके थ्रू हो रहा है प्रोसेस तो उसको बोलते हैं साइफनोगैमी। नेक्स्ट आता है आपका जो ये फिर से वही चीज़ रिपीट है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन में से सिर्फ एक जो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट करता है और पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करेगा। ये जो पॉलन ट्यूब होती है, अच्छा इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसके ऊपर सिर्फ इंटाइन लेयर होती है, ठीक है। वैसे हमें पता है पॉलन ग्रेन की दो लेयर होती हैं, एक्जाइन एंड इंटाइन, बट इसमें आपकी सिर्फ इंटाइन होती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, जनरेटिव सेल। तो हमने पढ़ा हुआ है जो हमारे पास पॉलन ग्रेन का सेल होता है उसमें दो सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल या जो आपका ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, और दूसरा आपका जनरेटिव सेल। तो जो जनरेटिव सेल है, जैसे मैंने आपको बताया था, 60% जो होते हैं टू सेल्ड स्टेज पे रिलीज करते हैं पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है, और 40% थ्री सेल्ड स्टेज पे। तो अगर उसमें पहले डिवाइड नहीं किया हुआ है जो मेल गैमेट होता है, ठीक है, जनरेटिव सेल होता है, तो वो यहाँ पे डिवाइड करेगा, ठीक है, और अगर हो गया होगा पहले तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, अदरवाइज यहाँ पे जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करता है टू मेल गैमेट बनाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास पोलन ट्यूब है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें सिंपल। तो इसमें होते हैं हमारे पास देखो टू मेल गैमेट्स जो कि बने होते हैं जनरेटिव सेल से, उसके अलावा आ जाती है आपके पास ट्यूब न्यूक्लियस, या इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस था उससे हमारे को बना मिला क्या, ट्यूब न्यूक्लियस। ये डीजनरेट हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ से डीजनरेट होना स्टार्ट होता है और डीजनरेट हो जाता है। इसके अलावा उसमें होता है कुछ एक साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब जो पोलन ट्यूब होती है वो सिक्रीट क्या करती है, वो सिक्रीट करती है पैक्टिनेजिस एंजाइम और कुछ एक हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। तो ये पैक्टिनेजिस जो आपके फाइबर्स होते हैं उसके ऊपर डाइजेस्ट करें उन करेगी उनको, ठीक है, जो प्लांट के फाइबर होते हैं हमारे जो स्टाइल होगी उसके अंदर और स्टिग्मा के ऊपर, फिर उनको डाइजेस्ट या डिसॉल्व करने के बाद वो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ करेंगे फर्दर, तो इसमें ये हेल्पफुल होती है। अब पॉलन ट्यूब का जो पैसेज होता है स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू वो कीमोट्रॉपिकल मूवमेंट के थ्रू होता है, तो कीमोट्रॉपिकल केमिकल को रिस्पॉन्ड करते हुए मूवमेंट करती है हमारी पॉलन ट्यूब, उसको हम बोलेंगे कीमोट्रॉपिकल मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका ओवरी के अंदर क्या होता है, जब हमारा जो पॉलन ट्यूब है ओवरी के अंदर पहुंच गई तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर के बारे में आती है आपकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। तो ऑब्चुरेटर क्या होता है, तो ऑब्चुरेटर जो होती है प्लेसेंटा की एक आउटग्रोथ होती है जो कि हेल्प करती है कहाँ पे, ओवरी में जो पॉलन ट्यूब होती है उसको नरिश करती है और उसको गाइड करती है माइक्रोपाइलर की तरफ, ठीक है, उसमें एंट्री कैसे करवानी। तो जब पॉलन ट्यूब हमारी ओव्यूल के अंदर एंटर हो गई तो उसके ओव्यूल के अंदर एंटर होने के जो होते हैं थ्री टाइप्स के पाथवे बोल सकते हैं हम या तरीके होते हैं, ठीक है। वो तो थ्री टाइप्स कौन कौन से हैं, पोरोगेमी, चार्ल्सोगेमी, मिजोगेमी। तो ये बहुत ही ईजी है, देखो वेरी इजी। तो पॉलन ट्यूब का जो पैसेज है वो ओव्यूल के अंदर कैसे चलता है, सबसे पहले पोरोगेमी, तो पोर से आपने याद रखना, ठीक है, माइक्रोपाइल पे पोर होता है, मैंने पहले बताया था जब हमने डायग्राम किया था। तो जब माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू आपकी पॉलन ट्यूब एंटर करेगी, ठीक है, ओव्यूल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं पोरोगेमी, ठीक है। गैमेट एंटर कर रहा है माइक्रोपाइल के थ्रू मेल गैमेट, ये सबसे कॉमन मेथड है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और इसका एग्जांपल आ गया लिली के अंदर ये होता है। नेक्स्ट आता है आपका चार्ल्सोगेमी, तो जब एंट्री आपकी जो पॉलन ट्यूब की होती है चार्ल्सल एंड के थ्रू होती है तो उसको हम बोलते हैं चार्ल्सोगेमी, और ये आपकी एग्जांपल इसके वॉलनट आ गया, कैजुरीना आ गया, तो इसके एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल आता है आपका मीजोगेमी, तो मीजोगेमी में क्या होता है, मीजो मतलब मिडल से रिलेट कर लो, तो इसमें इंटेगमेंट और फ्यूनिकुलस के थ्रू जो होती है पॉलन ट्यूब एंटर कर जाती है, तो ये कहाँ पे होता है, कुकुरबिटा के अंदर। इसके बाद देखो दो पॉलन ट्यूब थे अब एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है, एंटर कर गई तो वहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था आपको, वहाँ पे इसको गाइड कौन करेगा, तो कुछ एक केमिकल या सिक्रेशंस होती हैं फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स जो कि सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होता है और वो उसको गाइड करती हैं। अब जो हमारा
मेल गैमिट्स हैं, हमें पता है दो मेल गैमिट्स होते हैं, तो ये दोनों फंक्शनल होते हैं और दो टाइप की फर्टिलाइजेशन करते हैं। ध्यान से सुनना, देखो, दो टाइप की फर्टिलाइजेशन करते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो वो दो टाइप की फर्टिलाइजेशन कौन कौन सी हैं, देखो, फर्स्ट है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और सेकेंड है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब कन्फ्यूज़ नहीं होना, जनरेटिव वर्ड से पता लगना चाहिए हमारा मेन प्रोसेस जो है ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इनके बारे में देखेंगे। तो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं और इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। सिनगैमी भी बोलते हैं और ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मेन प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं, वो होता है इसके अंडर। तो इसमें एक जो मेल गैमेट होता है दो में से, वो फ्यूज़ करता है आपका एग के साथ, ठीक है। और मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमें मिलता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट या फिर ओस्पोर, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। अब आती है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन की बारी। तो इस केस में क्या होगा, जो सेकेंड मेल न्यूक्लियस है, गैमेट है, वो फ्यूज़ किसके साथ करता है, हमने पढ़ा था ये स्ट्रक्चर। इसमें सेंटर में दो न्यूक्लिया आपस में पोलर न्यूक्लिया बनाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लिया। तो इसके साथ जो सेकेंड मेल गैमेट होगा वो फ्यूज़ करेगा। और अब दो न्यूक्लिया ये थे, देखो, एक एन, एक ये, दो एन हो गए ये, ठीक है, हैप्लॉइड नंबर। एक आपका आ गया मेल गैमेट का, तो हो गया थर्ड। तो इसका मतलब इस केस में कितने हो गए, ये बना आपका 3N स्ट्रक्चर, मतलब ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन योर माइंड दैट जो ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा, ये कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड, ठीक है। और अगर हम बात करें जनरेटिव सेल की, जो जाइगोट बनेगा, तो इसमें क्या हुआ, एक मेल गैमेट आया, एक एग था, तो एक एन एस का और एक एन एस का हैप्लॉइड स्ट्रक्चर दोनों, तो इससे क्या बना, 1N+1N कितने हो गए, 2N, ठीक है। तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जो आपका जाइगोट होता है, और इससे जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC, या फिर बाद में जाके ये बनाती है एंडोस्पर्म, जो कि कैसे होते हैं, उन्होंने बोला ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तीन चार बार रिपीट कर बैठी मैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। हाउ वॉट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, तो जैसे मैंने बताया, डबल मतलब दो, ठीक है, दो टाइम फर्टिलाइजेशन हो रही है दो टाइप की। तो इसके बारे में देखो, फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं हम, ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें फ्यूज़न होता है दो मेल गैमेट का, ठीक है, उनमें से एक आपका फ्यूज़ करता है एग के साथ, दूसरा फ्यूज़ करता है आपका जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनके साथ। तो एक बनाता है आपका जाइगोट और दूसरा बना रहा है एंडोस्पर्म, तो दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलेंगे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। इसको अगर आपने शॉर्टकट में ऐसे याद रखना तो यहाँ से कर सकते हैं। देखो, पोलन ट्यूब थी, उसमें दो टाइप के मेल गैमेट थे, तो एक मेल गैमेट आपका फ्यूज़ कर रहा है एग के साथ, तो दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं, देखो साथ में मैंने वो भी शो किया हुआ है। इससे बनेगा आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। उसके बाद आता है आपका जो सेकंड न्यूक्लियस था, मेल न्यूक्लियस, ठीक है, वो फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और इससे हमारे को पोलर न्यूक्लियाई में ऑलरेडी मैंने जैसे बताया आपको टू न्यूक्लियाई होते हैं, एक आपका सिनर्जिड से आता है और एक जो आपका एंटीपोडल सेल होते हैं वहाँ से आता है, ठीक है, ऑलरेडी आपको ये क्लियर करवाया हुआ है। तो ये दो थे, दो एक और आ गया मेल गैमेट, तो इससे बना ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इसके बारे में, तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन थी, इसको दिया गया था, डिस्कवर की थी नोशिन ने, ठीक है। और इसका डायग्राम मैं आपको करवाती हूँ, बताती हूँ। ये डायग्राम रहा, ये आपने ड्रॉ करना है इसके साथ डबल फर्टिलाइजेशन के साथ। देखो, ये आपके पोलन ग्रेन्स बहुत सारे आते हैं, बट जो प्रॉपर जर्मिनेशन है वो सिंगल की होती है, वो पोलन ट्यूब डेवलप कर रहा है। ये इसमें मेल गैमेट्स को दिखा हुआ है, टू मेल गैमेट्स हैं, और ये एक जो है वो आपका पोलन न्यूक्लियस होता है जो डीजनरेट कर जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका ये जो पोलन ट्यूब का पैसेज है, तो ये जो एंड है, देखो, माइक्रोपाइलर पोर जो था वहाँ से एंट्री कर रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, पोरो गैमी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका, तो ये स्ट्रक्चर आपको पहले भी करवाया हुआ है एम्ब्रियोसैक का, ओव्यूल का, तो इसके अंदर आपके पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में है, ठीक है, जिसे बाद में फ्यूज़ करता है एक न्यूक्लियाई जो सेंटर में है, और
एक जाके आपका जो सिनर्जिड्स के साथ एग होता है उसके साथ फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें सॉरी एंटीपोडल है, इस साइड पे आएगा एग। तो ये आपने डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये रहा आपका डायग्राम, तो इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो वैसे कर लो। तो ये हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एक बार थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ अभी भी। तो ये थी आपकी पॉलन ट्यूब, ठीक है। पॉलन ट्यूब के थ्रू हमारे पास स्टेमेंट कौन सा कल, हाँ, तो पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमेट थे, ठीक है। ये मान लो फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। तो ये एक जो मेल गैमेट होता है वो फ्यूज़ करता है आपका एग के साथ, ये आपका एग, और ये बनाते हैं आपके क्या, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट जो होता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। सेकंड मेल गैमेट फ्यूज़ करता है आपका जो सेंटर में पोलर न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे हो गए ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो कि होता है किसका, एंडोस्पर्म का। तो होपफुली अब आपको पूरा क्लियर ही होगा। तो अब आता है लास्ट इसका पार्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सिग्निफिकेंस क्या होती है, देखो सबसे पहले इम्पॉर्टेंस कि इस डबल फर्टिलाइजेशन के कारण क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है उसके कैरेक्टर आ जाते हैं एंडोस्पर्म में, जो कि बाद में स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट में हेल्पफुल होते हैं, यूज़फुल होते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंस इसकी है कि ये एंश्योर करता है डबल फर्टिलाइजेशन की जो एंडोस्पर्म है उसकी फॉर्मेशन तभी होती है जब एग जो होगा वो फर्टिलाइज हो जाएगा और एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद ही हमारे पास एंडोस्पर्म बनती है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन के कारण ही पॉसिबल है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ, थैंक यू।